हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको कोरल ड्रॉ में आज बताने वाले हैं कि कोरल ड्रॉ में आलेखन कैसे बनाएं। पिछले वीडियो में आपको बताया था कोरल ड्रॉ के थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्रॉपर्टी बार वगैरह, टूल्स वगैरह बताया था। आज इसमें बताएंगे आलेखन कैसे बनना है। तो आज इस वीडियो में हम आपको आलेखन बनाना बताएंगे। मिनटों में आप आलेखन, खूबसूरत सा आलेखन बना सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने कोरल ड्रॉ पर चलते हैं। ये मैंने अपना कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया है। ये मेरा पेज है, इसी पेज में हम बनाएंगे अपना आलेखन प्यारा सा। यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पेज आपको लेना हो। ओके, और आलेखन बनाने के लिए आपको उसमें टूल्स लेना पड़ेगा। आपका पड़ता है इलिप्स टूल्स होता है, यहाँ आएंगे लेफ्ट साइड में, ये लिखा हुआ है। इसका शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करेंगे आपका टूल ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेज में यहाँ से ड्रैग करता हूँ, कुछ इस टैब में ड्रैग कर लिया। ओके, अपने हिसाब से ड्रैग कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आप इसमें कलर भरेंगे। कलर भरने के लिए आप यहाँ से आप कलर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इसमें चाहते हैं कि इसमें आप एक साथ दो तीन कलर डालें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यहाँ से आप ले सकते हैं। कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट करने मिल जाएगा। फिल टूल पे जाएंगे, ये देखिए फिल टूल पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं फिल कलर। इसके शॉर्टकट की है Shift F11। तो यहाँ से आप Shift F11 प्रेस करके भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने किया तो ये क्या गया। ओके, यहाँ से आप दो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ कस्टम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको दिया हुआ उसके क्या नाम है, यहाँ से आप कई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ येल्लो किया हुआ है। अगर आप इस पॉइंट पर जाएंगे, यहाँ आप दूसरा कोई कलर फिल कर सकते हैं, इसे ब्लू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे कोई भी कलर डाल दीजिए, रेड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पे चार कलर फिल कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको ओके किया। ओके, इसको ओके करते ही आपको यहाँ पे आप करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको पिक टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। पिक टूल आपका ये है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ऊपर है, सबसे ऊपर टूल है पिक टूल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसलिए शॉर्टकट की है Ctrl Space Bar कहेंगे तो पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पिक टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में आप देखेंगे ये क्रॉस बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये रोटेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया, लेफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक किया। ओके, जिसको मैंने कर लिया। इसके बाद मुझे Ctrl R करना है रिपीट के लिए। ओके, मैंने Ctrl R कर लिया तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा डिजाइन तैयार हो गया है। इसके बाद आपको बाहर से पूरा सेलेक्ट करना है। ओके, पूरा सेलेक्ट करना है। आप पूरा सेलेक्ट करने के लिए Ctrl A भी प्रेस यूज कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट होता है, ये आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको उसमें से प्रेस करना है Ctrl L लार्ज, तो आपका ये कुछ इस तरह से आलेखन हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से आउटलाइन हटानी है इसकी, तो ये आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में कलर में एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी आउटलाइन हट जाएगी। या तो आप ऊपर यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, इसको आप नन कर देंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो ये कुछ देखिए, हमारा इस तरह से खूबसूरत सा आलेखन बनकर तैयार हो गया है। इसको आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लें या इसकी आप इमेज बना लें। इमेज बनाने के लिए आपको इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl E, इम्पोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक, Ctrl E इसे शॉर्टकट की है। यहाँ फाइल पर जाएंगे, Ctrl E, इफेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया
तो ये आपका कुछ आ गया है, आपको जहाँ फाइल सेव करनी है सेव कर सकते हैं। यहाँ फाइल का नाम डाल देंगे जो भी डालना हो, और यहाँ से आपको सेव टाइप करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे टाइप ऑप्शन मिलेंगे, PNG या PSD हो गया, फोटोशॉप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं JPG बिट मैप कर दूँगा। ओके, तो इसको मैंने यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ अब इसको यहाँ से सेव कर देंगे, या साइज़ बढ़ाना चाहे DPI बढ़ाना चाहे DPI बढ़ा लेंगे। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक, ये आपका एक इमेज तैयार हो गया। यहाँ पे बाहर जाइए, डेस्कटॉप पे आपने ये फाइल बनाई है, तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से आपका लेखन तैयार हो गया है। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या बैकग्राउंड लगा चाहे बैकग्राउंड लगा देंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें। और इस कोरोना टाइम में आपको एक बस छोटी सी राय देना चाहते हैं कि आप लोगों से कम मिलें और मास्क लगा के ही बाहर निकलें। धन्यवाद।